क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर इवोल्यूशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर, जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, जो चेंजेस होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो डीएनए कॉपीज है उसमें जो चेंजेस होता है वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर इज द बेसिस फॉर द वेरिएशन।